Hi student, welcome to video lecture series for CA IPCC. मेरा नाम देवकीनंदन है और आज के video lecture में मैं आप लोगों के साथ पे paper 8 जिसका नाम है financial management and economics for finance question उठता है कि ये हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. और पहली बात, CA के institute ने CA के students के लिए economics क्यों डाला? क्या जरूरी है इकोनॉमिक्स को पढ़ना एक सीए के स्टूडेंट के लिए? अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज के बारे में मुझे पूछा. इसका आंसर मैं हम लोग इस तरीके से करते हैं. आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर में कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसे हम लोग गॉर्डन शेयर वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं, दैट मॉडल इज बेसिकली P0 इक्वल टू D1 के माइनस G. क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज दिस G? जी इज इनडेफिनिट मतलब फॉर एवर फ्यूचर ग्रोथ रेट, फॉर एवर ये ग्रोथ रेट रहेगा. बट ये ग्रोथ रेट हम किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे होते हैं? ये जो जी है, इसका जो बेसिस है इसको डिसाइड करने का, वो रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, इस जब हम लोग इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, राइट? अब कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से ये ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है और एक इंडस्ट्री यहां ऑपरेट कर रही है. मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, ठीक है? क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा ये चीज? जब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, इससे बाहर वालों को पता चलेगा कि यार ये इंडस्ट्री सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और ये दूसरी इंडस्ट्री से लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस इंडस्ट्री के लिए. बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर पर नए एंट्रेंट आ गए, उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ गई. सप्लाई बढ़ते ही प्राइस नीचे आई. प्राइस के नीचे आने से जो मार्जिन है वो श्रिंक होना शुरू हुआ. फाइनली इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी श्रिंक होना शुरू होगा और आते आते करेक्ट होकर के इस लेवल पे आ जाएगा, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के लेवल पे आ जाएगा. इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं. सपोजिटली इंडस्ट्री इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से नीचे ऑपरेट कर रही है, मतलब जो इंडस्ट्री है ये इसका ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से कम है. ऐसे में क्या होगा, इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार यहां तो कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है, काम करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं जहां पर ग्रोथ रेट थोड़ा अच्छा हो. एग्जिट करने शुरू करेंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे. जैसे जैसे एग्जिट होता जाएगा, सप्लायर कम हो गए, यानी कि मार्केट पर सप्लाई कम हुई. मार्केट का सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगे और प्राइस बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्री में लोग रह गए हैं उनका मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा. मार्जिन बढ़ेगा तो इनका ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये भी ऊपर आकर के एडजस्ट हो जाएंगे इकोनॉमी के लेवल पे. दिस इज द लेवल ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. तो आपको एक चीज समझ में आई कि वैल्यूएशन करते वक्त ये जी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता था, जो इनडेफिनिट ग्रोथ होता था, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, राइट? ठीक है, और ये चार्ट आपको इस चीज के बारे में क्लियरली समझा पा रहा है. ऑल राइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा. 1980 से लेकर के 2000 के बीच में इनके यहां जो GDP ग्रोथ रेट था वो 1980s में अगर मैं देखूं तो 9.9% था और 1990s के टाइम पे वो 10.3% था. ऑलमोस्ट इस सालों में, इन 20 सालों के अंदर पर ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ एनी इकॉनमी इन द वर्ल्ड. दुनिया की जितने भी इकॉनमी थी सबसे ज्यादा तेजी से ये लोग ग्रो कर रहे थे.
अब इस ये जानने के बाद जरा देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या था। इंडस्ट्री दैट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट वॉज 11.3%, विच इज डबल डिजिट, वेरी गुड। और अगर हम आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन अगर 1980 से पहले 70s में अगर हम लोग बात करते हैं, इनका ग्रोथ रेट रफली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था वो 6 पॉइंट के कुछ आसपास था, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो भी रफली अराउंड 5 के आसपास था। 5 से 9.9, फिर 10.3, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 11.3। आपने सिंपली देखा कि अगर इकॉनमी का जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले में इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर जो जी हमने इंसर्ट किया, तो ये बिल्कुल सही बनता है अगर इस जी को मैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ पे लगा करके सोचूं, राइट। इसीलिए सीए फर्म ने इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला। और पहली बात, उन लोगों का मानना यह है कि देखो सीए सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है वो पेपर वर्क कर रहा है, यहाँ पर उसने वाउचर्स उठाए और यहाँ पर से उसने कुछ और अकाउंट्स बनाए और एक समरी बनाए, लो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दो, हो गया काम। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं चाहिए। जो फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें चाहिए, वो चाहिए हमें नॉलेज स्टेशन, और एक तरीके से नॉलेज लाइब्रेरी, उनको ऑल एंड ऑल थ्रू एंड थ्रू नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर सचिन तेंदुलकर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ समझ में आ गई। एक और हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कैपिटल बजटिंग। आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं? इंडस्ट्री एक नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, नया मशीन खरीदना चाहती है, भाई आप सजेस्ट तो करोगे। कैपिटल बजटिंग में दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, एक तो हमारे पास में होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीन चीजें होती हैं लेकिन बेसिक मैं मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए मैंने ये उठाया। कॉस्ट ऑफ डेट, आपने कैपिटल बजटिंग करते वक्त एक प्रोपोर्शन सेट किया कि यार ये 60% रहेगा और ये 40% रहेगा। क्यों? क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, इक्विटी पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपने 60-40 का रेशियो रखा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो डेट जो है वो हमें सस्ते पड़ने शुरू हो जाएंगे। डेट सस्ते पड़ेंगे तो आप लोगों ने यहां इसका प्रपोर्शन बढ़ा के 45 कर दिया और ये घट करके 55% पे चला आया, ठीक है। क्वेश्चन उठता है, जिस इंटरेस्ट रेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसको डिटरमिन कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल बैंक है, राइट। ऐसे ही अमेरिका में लेते हैं, जर्मनी में लेते हैं, सबके अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं, ये डिसाइड करते हैं। इनके पास में एक टूल होता है जिस टूल को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आपके चैप्टर 2 के अंदर यूनिट 1 है अगेन, और जितना सिंपल नाम है उतना सिंपल होता नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आरबीआई टू एक्चुअली फिक्स दिस इंटरेस्ट रेट। दे आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू इफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, बट इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करने के लिए और उनके पास में क्या क्या टूल हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ओपन मार्केट ऑपरेशन उनके पास में, दैट इज डिफरेंट, वो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पर पढ़ेंगे, राइट। सो इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ डेट का प्रपोर्शन बढ़ना कम करना डिसाइड करेगा, ये आप फाइनेंस में पढ़ रहे हैं। बट इससे इस चीज को ढंग से डिसाइड करने के लिए आपको आई के बारे में पता होना चाहिए। आई कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आप अपनी कंपनी को सजेस्ट करने जा रहे हो कि ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग डेट रेशियो बढ़ाना शुरू करते हैं, इक्विटी को कम करते हैं, बट इस वक्त मार्केट में डेट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, तो आप महंगा लोन क्यों ले रहे हो? आपको इन्फॉर्मेशन हुई कि भाई आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी लाने, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने जा रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे, यार रुक जाओ, ठीक है इक्विटी में बने रहो, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा एक काम कर, उस वक्त हम लोग इक्विटी को कम कर देंगे और डेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपको कैसे हेल्प कर रहा है ये चीज, और ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? इस सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने इसको डाला, क्यों? क्योंकि उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलराउंडर चाहिए, सचिन तेंदुलकर चाहिए अगेन। ऑल राइट, तो पहले हम एक काम करते हैं, जीडीपी और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और उसके अंदर पर जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी हम उन्हें
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देखेंगे कि किसका क्या मीनिंग है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, हम लोग नेशनल इनकम बोल रहे हैं. नेशनल इनकम होता है NNPFC. डेफिनेशन है, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ, ओके वैल्यू के नीचे अंडरलाइन, ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, कीवर्ड अगेन, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो जो हमारे पास में यहां से कीवर्ड निकल करके आते हैं वो हैं, कीवर्ड्स हमारे पास में चार हैं, इनमें से जो हमने निकाले अंडरलाइन किए हुए मैंने, फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस, वैल्यू एंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और अकाउंटिंग ईयर. राइट, सो सबसे पहले हम लोग फाइनल गुड्स समझते हैं. फाइनल गुड्स होते क्या हैं? रेडी टू कंज्यूम, उन्हें हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं. जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है वो हमारे लिए फाइनल गुड है, इकोनॉमी के लिए वो फाइनल गुड है. एंड फाइनल गुड्स जो हैं, फिर से बाइफर्केट किए गए, दो हिस्सों में हमने फिर से तोड़ा, एक कंज्यूमर गुड होता है और एक प्रोड्यूसर गुड होता है. ऑलराइट, एक एग्जांपल लेते हैं. योको हामा, ये टायर बनाने वाली कंपनी है, जापान की कंपनी है. योको हामा से मिस्टर मी ने, मैं मिस्टर मी हूं, मिस्टर मी ने 4 यूनिट टायर के खरीदे. देखा जाए, अगर आप देखो योको हामा ने टायर बनाए, बात खत्म, उसके लिए रेडी टू कंज्यूम है, ये बाजार के अंदर पर इसने भेज दिए, रेडी टू कंज्यूम है भाई, जो मर्जी ले लीजिए, इसको यूज कर लो, वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ गया. मैंने लिए 4 यूनिट अपनी कार पे लगाए एंड आई एम हैप्पी, मैं अपनी कार चला रहा हूं, तो मेरे लिए ये कंज्यूमर गुड में कन्वर्ट हो गए. एक कंपनी है टोयोटा, टोयोटा वालों ने 4,000 यूनिट टायर के योकोहामा से लिए, 1,000 कार में फिट किए, मार्केट में मिस्टर यू आप लोग उनको बेच दिए. राइट, ध्यान रहे, टोयोटा ने योकोहामा जिसका टायर फाइनल प्रोडक्ट था उससे खरीदा तो सही, लेकिन कंज्यूम नहीं किया, गाड़ियों में टायर फिट किए और कार को बाजार में भेजा. अब मिस्टर यूज को बाई कर रहे हैं तो वो फाइनली यूज कर रहे हैं, मिस्टर यू के लिए कार फाइनल हो गया, लेकिन टोयोटा ने ये जो 1,000 टायर बीच में रखे थे अपने लिए बाई किए थे, इनको उन्होंने यूज किया प्रोड्यूस करने के लिए कार, तो ये हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गुड. राइट, तो ऐसा कोई भी गुड जिसको आप यूज करते, किसी कंपनी के लिए वो भले ही फाइनल हो, किसी फर्म के लिए वो फाइनल गुड हो, लेकिन आपने उसे लिया, आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप कंपनी हो सकते हैं, उसको ले करके फर्दर प्रोडक्शन में उस पर्टिकुलर गुड को यूज किया, वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड में कन्वर्ट हो गया. राइट, तो ध्यान रहे, योकोहामा टायर योकोहामा कंपनी के लिए फाइनल गुड है क्योंकि वो रेडी टू कंज्यूम है, उसमें और कुछ नहीं करना. मिस्टर मी ने उसको बाय किया, अपनी कार में लगाया, कार चलाया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया टायर राइट अवे. टोयोटा कंपनी ने उनसे 4,000 यूनिट लिए, अपनी कार में फिट किया और मिस्टर यू को बेचा, उन्होंने डायरेक्टली कंज्यूम करना शुरू नहीं किया, कंज्यूम मिस्टर यू करेंगे, तो उनके लिए ये प्रोड्यूसर गुड था, ये टायरों को हम से बाई किए हुए टायर, और उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट गुड कहते हैं. राइट, अब आते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सके. यहां पर एक टर्म हमने यूज की है वैल्यू. वैल्यू जब भी हम बात करेंगे मनी की टर्म में, और मनी की टर्म में किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट उस
गुड का या सर्विस का एक प्राइस होना चाहिए, राइट? संतरे लेने बाजार में गया, बंदे ने कहा कि भाई आपको अगर ऑरेंज लेने हैं तो आप एक काम करो, मेरे को तरबूज ला के दे दो। ऐसा तो काम नहीं चलता ना। उसने सीधा कहा अगर आपको संतरे लेने हैं 50 रुपये किलो हैं, आप ले लीजिए, कीमत दे दी। अब आपने उसमें 10 किलो लिया या 1 किलो लिया, वो जितना भी आपने 10 किलो लिया तो 500 रुपये का आपने वैल्यू खर्च किया, और अगर 1 किलो लिया तो 50 रुपये का। तो प्राइस का होना ज़रूरी है, और इन टर्म ऑफ मनी ही रखेंगे, इन टर्म ऑफ काइंड या गुड नहीं होगा, इकोनॉमिक्स में नहीं है वो चीज़, ठीक है? अब जब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू की जा सके उसे हम लोग इकोनॉमिक गुड में कन्वर्ट करके मानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में एक मेड आती है, वो आपके लिए खाना बनाती है, आपकी पूरी फैमिली के लिए झाड़ू पोछा होता है, आपके घर के अंदर पर कपड़े धुलते हैं, राइट? आप उसको महीने का 5,000 रुपया दे देते हो। वो 5,000 मॉनिटरी टर्म के अंदर पर उस मेड का एक महीने का प्राइस है, उसकी सर्विसेज का उसको आपने वैल्यू किया। अब एक महीना मेड नहीं आई आपके घर में, आपकी मदर ने सेम काम किया, खाना बनाया, आपके कपड़े धोए, ठीक है, आपके लिए घर के अंदर साफ सफाई की, जो बुक्स इधर उधर बिखेर देते हो, मम्मी पेन नहीं मिल रहा, मम्मी पेंसिल नहीं मिल रहा, वो सब काम उन्होंने करके दिया। आपने क्या पे किया मम्मी को? कुछ नहीं, नॉट इवन थैंक यू तक नहीं बोला होगा माँ को। लेकिन मम्मी ने जो गुड्स, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की, वो सर्विसेज की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो इकोनॉमिक गुड नहीं है। मेड को क्योंकि आप महीने में 5,000 दे रहे हो, उसकी सर्विस की वैल्यू है, इसलिए वो इकोनॉमिक गुड है। तो ऐसी कोई भी सर्विस, ऐसा कोई भी गुड जिसकी वैल्यू हो सके बाजार के अंदर पर क्रिएट, लगाई जा सके जिसकी वैल्यू, उसे हम इकोनॉमिक गुड कहते हैं। तो ध्यान रहे ऐसे सारे इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वो होनी फाइनल चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होने चाहिए, राइट? वैल्यू क्लियर है, वैल्यू हमेशा मनी के टर्म में होगा। अब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को समझते हैं। ऑलराइट, डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। आपके कंट्री का जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे, और उसके अंदर पर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? फिर आया नेक्स्ट टर्म, अकाउंटिंग ईयर। आप लोग फ्यूचर के सीए हैं, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ध्यान रहे ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, पहले तो इस बारे में सोचो, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई ये कंपनी की सिचुएशन क्या है, हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे इक्विटी होल्डर्स खुश हैं नहीं हैं, और दसियों चीज़ें हैं। सेम चीज़ जब हम लोग नेशनल इनकम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम एक तरीके का अकाउंट बना रहे हैं पूरी इकोनॉमी का, जिसके अंदर पर वो सारी फर्म इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये है कि भी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर आपके पास में एक अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 अप्रैल फॉर एन एग्जाम्पल 1917 से शुरू होगा, 31 मार्च 2018, ये एक अकाउंट, यहाँ पर भी एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। जो GDP कैलकुलेशन, जो हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी एक अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से करेंगे, पूरा एक साल। अब आजकल तो हर तीसरे महीने के अंदर पर एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। GDP के साथ पे थोड़ा ये मुश्किल है, क्योंकि एक कंपनी एक छोटी एंटिटी होती है इकोनॉमी के कंपैरिजन में, तो वो छोटी एंटिटी का आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, बट इकोनॉमी में बहुत सारा अलग अलग तरीके का जो डेमोग्राफी होती है वो इकोनॉमी की, वो बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। कहने का मतलब उसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं, डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस वाले हैं, इन सब चीज़ को पता करते करते 6-7 महीने लगते हैं। सो 6-6 3-3 महीने वाला सिस्टम यहाँ नहीं होता, यहाँ एक एनुअल सिस्टम होता है। ओके, सो ये 4 कीवर्ड्स जो हैं इस डेफिनेशन से मैंने डिराइव किए। जो नॉर्मली एक डेफिनेशन है कि नेशनल अकाउंटिंग डिफाइंड एज नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड, नाउ
आपको फाइनल और इकोनॉमिक गुड क्लियर होना चाहिए. प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट. जो आप अपना बाउंड्री मैप देख लो इंडिया का, वो ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल में, वो कुछ भी हो सकता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर हो सकता है, या आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. ऑल राइट, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. अब एक थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए जो नोट्स मेकिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखा हुआ है. छोटे मोटे एरर्स वगैरह इधर उधर होंगे, खैर ऑन द मूव हम लोग उसको एडिट कर लेंगे. तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो नोट्स के ऊपर ही कहीं लिख लीजिएगा. अगर आप 4 जगहों पे लिखोगे तो उसमें से 2 जगह तो मिस हो ही जाएंगी लास्ट टाइम रिविजन करते वक्त. तो प्लीज़ सारी चीज़ों को आप उन नोट्स के ऊपर रखें, और नोट कॉम्प्रिहेंसिव हैं. कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. तो जिस वक्त आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ आप लेक्चर पे फोकस करें, लिखने पे फोकस ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. और ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक उस बात पे था. और मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो आपका पेपर 8 का बी सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये मेरा चैप्टर रहेगा. ये इसको मैं आपको डील करूंगा. हम इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल ऑन द मूव भी करेंगे, और साथ में चैप्टर एंड होने के बाद में हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट.